क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आए हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। 2-3 दिन से बहुत ठंडी लग रही है और मौसम में मुझे ज़्यादातर ठंडी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ठंडी अच्छी लगती है, मतलब ठंडी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में हम मस्त एकदम ब्लैंकेट के अंदर घुस के सोए पड़े रहते हैं। ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो एसी का मज़ा हमको फ्री में मिलता है। इस वजह से मुझे ठंडी बहुत अच्छी लगती है और बारिश का मौसम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ मुझे गर्मी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त होता ही नहीं है। मुझे बहुत गर्मी होती है और मेरे बेटे को भी सेम ऐसा ही है। उसको तो ठंडी में भी गर्मी लगती है। अब रात में सोता है वो, तो उसको मैं ब्लैंकेट डालती हूँ अपने साथ ही, मतलब मेरे वाले ब्लैंकेट में उसको सुलाती हूँ, तो ब्लैंकेट पूरा हटा देता है और बिना ब्लैंकेट के सोता है। उसको एकदम मतलब ठंडी में भी उसको गर्मी लगता है। सो देखते हैं अभी क्या होता है, ठंडी का मौसम आया, एंजॉय करते हैं, एंजॉय। ये देखो हमारे घर पे कौन आई है, लड़की, हमारी बेटी। ये सब मेरे मेकअप के सामान पहन के बैठा है, हमारी रियांशी है ना, तो हमारी बेटी है। ओ बेटी, इधर देखो रियांश को क्या करके रखी है राम ने, इसको नेकलेस वेकलेस पिना के बेचारे को। ये खाना खा नहीं रहा था तो उसको मैं ज़बरदस्ती खिलाने के लिए ऐसे सब सामान दे देती हूँ ताकि ये इसके साथ बिजी रहे और मैं इसको खिलाती जाऊँ। तो अभी इसने खा लिया है, अपना नाश्ता पूरा फिनिश कर दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि क्या बनाना है खाने में, तो देखती हूँ अगर कुछ समझ में आता है नहीं आता है आज क्या बनेगा। रोज़ रोज़ खाने में क्या बनाए समझ में नहीं आता है। खाना बनाना बहुत बड़ा सर दर्द का काम, खाना बनाना बहुत इजी है लेकिन क्या बनाए ये सोचना बहुत सर में दर्द होता है। देखते हैं अभी क्या लेती हूँ मैं, क्या समझ में आता है। गाइस मेरा हो गया यहाँ पर ख़रीद कर सामान, अभी मैं घर पे जा रही हूँ, मिलती हूँ आपको घर पे। अभी मैं घर पे आ गई हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई। बहुत से शॉप्स में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बहुत ऑड लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसे सब जगह पर वीडियो निकालूँ बैठ के। मैं कुछ जगह पर आपको मैं दिखा पाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। चलिए तो देखो, ये मैं मटर लेके आई हूँ। मटर मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं है तो इसलिए ये रियांश के लिए आया है। रियांश के लिए मैं खिचड़ी विचड़ी बना दी तो उसमें डाल के बनाती हूँ। और ये मैंने लिया है भेल, सूखा भेल और शेंगदाने। और ये जो सोयाबीन की दुकान में मैंने आपको बताया था ना, वहाँ से मैंने ये सोयाबीन ख़रीदा है। और ये क्या बोलते हैं अपना पीली वड़ी, मुझे सब्ज़ी क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद है पीली वड़ी, तो जाते जाते मुझे रास्ते में दिखाई दिया। मैं सोच के गई थी कि देखती हूँ क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। और ये भेल के दुकान में जो मैंने आपको दिखाया था मेरे वीडियो में, आपने देखा हुआ भेल का दुकान, वहाँ से मैंने कुछ नमकीन ख़रीदे हैं तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक दिन में तो खाते हैं नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कभी मूड हुआ तो खा लेते हैं। तो देखा आपने मैंने शॉपिंग जो करके आई, मतलब घर का सामान का दिखाया आपको मैंने। अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि रियांश आज जल्दी सो गया है। रियांश कभी भी उठ सकता है, उसका भरोसा है नहीं। थोड़ी देर बैठती हूँ फिर अभी खाना बनाना शुरू करती हूँ, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि वो पीली वाली बड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी वो कैसे बनाते हैं, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में। तो वेट करते हैं। तो अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने सब्ज़ी के लिए लिया है 1 इंच अदरक, लहसुन और 4 हरी मिर्च, 2 प्याज,
ये रियांश के लिए मैंने खिचड़ी बना रही हूँ दलिया का। तो मेरे पास एक ही कुकर है, इस वजह से मैं पहले इसमें रियांश का बना लूँगी, तो उसके बाद इसको धोकर फिर मैं अपनी सब्ज़ी बनाऊँगी। सो ये दलिया बना रही हूँ मैं उसके लिए। इसमें एक चम्मच मैंने पहले घी नीचे डालकर उसमें दलिया रोस्ट कर रही हूँ, और ये सब्ज़ियाँ मटर, गाजर और इसमें टमाटर है, तो ये थोड़ा रोस्ट हो जाएगा तो उसमें डाल के इसे थोड़ा नमक डाल के पानी डाल के सीटी मारूँगी। तो जब तक इसे मैं पीस लेती हूँ मिक्सर जार में। रियांश का यहाँ पर रेडी है मैशर से, मैंने सारा अच्छे से मैश कर लिया है, इसको खिला दिया।